पूरे पंजाब अंदर कर्फ्यू जारी है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल नजर आ रहा है। लेकिन वहीं बीती देर रात बटाला पुलिस के थाना सेखवा के अधीन पड़ते गांव खारा से एक व्यक्ति के कत्ल की खबर सामने आई है, जिसको गांव के सरपंच के द्वारा गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि रात करीब 11 बजे उनके पड़ोसियों के गेट को किसी ने पत्थर मारे और जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो गांव का ही सरपंच मनवीर सिंह बब्बू, जिसने शराब पी रखी थी, वह हाथ में बंदूक पकड़ उनके पास आया और कहने लगा, यह मेरा मोहल्ला है, मैंने यहां बदमाशी नहीं होने देनी। इतना बोलते ही उसने दिलबाग सिंह को गोली मार दी और कुछ हवाई फायर भी किए। उन्होंने बताया कि गंभीर जख्मी हालात में उन्होंने अपने दिलबाग सिंह को बटाला सिविल अस्पताल दाखिल करवाया। यहां से उनको अमृतसर रेफर किया गया है, परंतु वह रास्ते में ही दम तोड़ गए। पाजी इन्हां दे एक घर दे गेट नूं बाहर किसी ने वट्टे मारे 11 बजे ना, आपां सारे घरां वाले इकट्ठे होए आ, वीर भी आया वा, सरपंच दा घर साडे तो 2 किले हटवा वा, ये वीर आया, आपां खलोते आपां घरां नूं चले आ, सरपंच आया मोड़ तो गालां कढ़दा, दो इहे साडा महला, आपां इत्थे गुंडागर्दी नहीं चलन देनी, ओह अजे जनानियां खलोतियां, आ वीर ने डक्या गालां ना कढ, आ वीर ने डक्या सरपंचा गालां ना, गालां कढ गोली मार देनी, ओने जोड़ दिया ही गोली मारती, पुछया ही नहीं कक्क मेरे प्यो नू किन्नू बजे गोली, डैडी ने मेरे मेरे पिता ने किन्ने राउंड चलाए उन्हें, वीर जी 2 चलाए, एक को मार के गया, एक को ने मोड़ते चलाया जाके, दो अपने उन्हें, मगर मैं जो भजया मैं अपने डैडी चुकन, उन्हें मगर चलाया, फिर 2 अपने घर चलाए ने उन्हें, मैं दसो कितने जाऊंगा, मैं रुल गया, मैं बीमारी लगन वाला तो मैं उदा ही मर गया, मैनू बीमारी ना की भा, मेरा प्यो चल गया मेरे सिर तो। उधर मौके पर पहुंची पुलिस पार्टी ने शव को अपने कब्जे में लेकर बटाला सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार सदस्य के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ